हेलो दोस्तों, डीपीआर क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम आपको पढ़ाएंगे द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन रहे हैं, वेरी शॉर्ट टाइप के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन रहे हैं। इसकी पहले वीडियो में हमने आपको एमसीक्यू पढ़ाया था, इस वीडियो में हम आपको वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन पढ़ाएंगे। इसके बाद एक वीडियो आएगा शॉर्ट टाइप क्वेश्चन विथ आंसर्स, और उसके बाद एक वीडियो आएगा लॉन्ग टाइप क्वेश्चन का। तो ऐसे चार पार्ट में हम आपको ये चैप्टर पढ़ाएंगे, और बाद में इसका आपको कंबाइंड वीडियो भी हम दे देंगे। तो चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। हाउ डिड द ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपोल ऑफ 1832 रिकॉग्नाइज ग्रीस एज एन इंडिपेंडेंट नेशन। 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। द ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस वॉज अ सिग्निफिकेंट इवेंट दैट मोबिलाइज नेशनलिस्ट फीलिंग एमंग द एजुकेटेड इलाइट अक्रॉस यूरोप। ग्रीस हैड बीन पार्ट ऑफ द ऑटोमन एम्पायर सिंस द 15th century। जो ग्रीस था वो ऑटोमन एम्पायर का पार्ट था 15th century में। द ग्रोथ ऑफ रिवॉल्यूशनरी नेशनलिज्म इन यूरोप स्पार्क्ड ऑफ अ स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस एमंग द ग्रीक्स विच बिगैन इन 1821। तो जो नेशनलिज्म यूरोप में हो रहा था 1821 के टाइम पे, उसका ग्रीक पर यह असर पड़ा कि वो भी एक इंडिपेंडेंट नेशन चाहता था। जो ग्रीक के लोग थे वो एक इंडिपेंडेंट कंट्री चाहते थे। और जो वहाँ के एक पोएट हैं, बहुत फेमस पोएट हैं, द इंग्लिश पोएट लॉर्ड बायरन ऑर्गेनाइज्ड फंड एंड लेटर वेंट टू फाइट इन द वॉर वेयर ही डाइड ऑफ फीवर इन 1824। लॉर्ड बायरन फंड ऑर्गेनाइज करते हैं वॉर के लिए, और वो खुद भी जाते हैं लड़ने। क्या मतलब, रिवोल्ट करने, रिवॉल्यूशनरीज में वो शामिल होते हैं, और फिर वो फीवर की वजह से मर जाते हैं। कब? 1824 में। फाइनली द ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपोल ऑफिशियली रिकॉग्नाइज ग्रीस एज एन इंडिपेंडेंट नेशन इन 1832। फाइनली जो रिस्पॉन्स आता है इन चीज़ों का, जो भी नेशनलिज्म और रिवॉल्यूशन होते हैं ग्रीस में, तो ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपोल के तहत ग्रीक को एक इंडिपेंडेंट नेशन घोषित कर दिया जाता है। किस सन में? 1832 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखते हैं। हाउ डिड अ न्यू ब्रिटिश नेशन फॉर्म्ड थ्रू द प्रोपोगेशन ऑफ डोमिनेंट इंग्लिश कल्चर केम इनटू एग्जिस्टेंस, एक्सप्लेन। इस क्वेश्चन में आपको एक्सप्लेन करना है कि ब्रिटेन जो था वो एक इंडिपेंडेंट नेशन कैसे बनता है। थ्रू द स्प्रेड ऑफ प्रीडोमिनेंटली इंग्लिश कल्चर अ न्यू ब्रिटिश नेशन वॉज क्रिएटेड। द एंशियंट नेशंस ओनली सर्वाइव्ड एज सबऑर्डिनेट पार्टनर्स इन दिस यूनियन बिकॉज द सिंबल्स ऑफ द न्यू ब्रिटेन, द ब्रिटिश फ्लैग, द नेशनल सॉन्ग एंड द इंग्लिश लैंग्वेज वर एक्सटेंसिवली प्रमोटेड। वहाँ पे ब्रिटिश फ्लैग जो नेशनल सॉन्ग था और जो इंग्लिश लैंग्वेज था वो प्रमोट किया जा रहा था। किसके थ्रू? जो ब्रिटिश के लोग थे उनके थ्रू प्रमोट किया जा रहा था। The English Parliament, which had seized power from the monarchy in 1688 at the end of protracted conflict, बहुत लंबे समय तक कॉन्फ्लिक्ट के बाद जो इंग्लिश पार्लियामेंट था वो मोनार्की की पावर को सीज कर देता है। कब सीज करता है? 1688 में। Was the instrument through which a nation state with England as its center came to be forged। और इसका जो परिणाम आता है कि इंग्लैंड जो होता है वो एक सेंटर बन जाता है। किसका? एक नेशन स्टेट का, ब्रिटिश का एक सेंटर बन जाता है, ब्रिटेन का। द एक्ट ऑफ यूनियन 1707 बिटवीन इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड दैट रिजल्टेड इन द फॉर्मेशन ऑफ यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। और एक्ट ऑफ यूनियन 1707 के तहत इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच ये समझौता होता है कि यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन
एक अलग कंट्री और इंडिपेंडेंट कंट्री रहेगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड है आपका, मेंशन एनी टू ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ट्रीटी ऑफ वियना। ट्रीटी ऑफ वियना के बारे में दो बातें आपको बतानी है। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द ट्रीटी वॉज टू रिस्टोर द मोनार्कीज दैट हैड बीन ओवरथ्रोन बाय नेपोलियन एंड क्रिएट अ न्यू कंजर्वेटिव ऑर्डर इन यूरोप। अकॉर्डिंग टू दिस ट्रीटी द बॉर्बन डायनेस्टी विच हैड बीन deposed during the French Revolution was restored to power and France lost the territories it had annexed under Napoleon। तो ट्रीटी ऑफ वियना में कुछ ऐसा होता है कि नेपोलियन के हारने के बाद, नेपोलियन जब 1815 में बैटल ऑफ वाटरलू हार जाता है ब्रिटेन, रसिया, पर्सिया और ऑस्ट्रिया से, तो ये कंट्रीज फ्रांस के लिए एक ट्रीटी साइन करती हैं जिसमें कि फ्रांस की जो मोनार्कियल पावर थी उसको रिस्टोर किया जाता है। और अगला पढ़ते हैं, अ सीरीज ऑफ स्टेट वर सेट अप ऑन द बाउंड्रीज ऑफ फ्रांस टू प्रिवेंट फ्रेंच एक्सपेंशन इन फ्यूचर। और फ्रांस के बॉर्डर पर कुछ सिटी डेवलप किए जाते हैं ताकि फ्रांस का फ्यूचर एक्सपेंशन ना हो सके। दस द एक्सपेंशन ऑफ द नीदरलैंड विच इंक्लूडेड बेल्जियम। नीदरलैंड और बेल्जियम को कहाँ सेट किया जाता है, फ्रांस के नॉर्थ में। और जिनुआ जो होता है वॉज एडेड टू पीडीमोंट इन द साउथ। तो ये बातें थी ट्रीटी ऑफ वियना के लिए, ये तीन बातें आपको याद रखनी है। इसका मतलब आपको रटा होना चाहिए ताकि जब ये क्वेश्चन एग्जाम में आए तो यहाँ पे तीन दिया है वहां पे आप छह पॉइंट बना के इसको लिख सकें। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर फोर है आपका, नेम द सिविल कोड ऑफ 1804 विच एस्टेब्लिश इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड सिक्योर्ड द राइट टू प्रॉपर्टी इन फ्रांस। सिविल कोड ऑफ 1804 जो है इसको किस नाम से जाना जाता है, ये नेपोलियनिक कोड है जो कि नेपोलियन द्वारा लाया गया था। इसका एक नाम तो नेपोलियनिक कोड है और एक नाम है सिविल कोड ऑफ 1804। इन दोनों में से एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है हर साल। ये 2020 का क्वेश्चन है, 2023 में भी पूछा गया था ये क्वेश्चन और 2024 में असर्शन रीजनिंग में रीजन में पूछा गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है, नेम द कस्टम यूनियन फॉर्म्ड एट द इनिशिएटिव ऑफ पर्सिया इन 1834। तो पर्सिया के द्वारा जो कस्टम यूनियन फॉर्म किया गया था 1834 में उसका नाम बताना है आपको। उसका नाम जोलवरीन है, जोलवरीन। ये क्वेश्चन भी आपका 2020 में पूछा गया है। नेम द एक्ट विच रिजल्टेड इन द फॉर्मेशन ऑफ यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। एक ही क्वेश्चन आपसे कई तरीके से पूछा जा सकता है एग्जाम में, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। एक्ट ऑफ यूनियन 1707, ये एक्ट अभी आप पढ़े हैं पीछे, जो कि इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच हुआ था। एक्सप्लेन द एम टू फॉर्म जोलवरीन अ कस्टम यूनियन इन 1834 इन जर्मनी। तो जो कस्टम यूनियन जर्मनी के द्वारा लाया गया था, पर्सिया के द्वारा, वो क्यों लाया गया था, उसका मेन पर्पस क्या था। जोलवरीन वॉज अ कस्टम यूनियन फॉर्म्ड इन 1834 एट द इनिशिएटिव ऑफ पर्सिया। द यूनियन एबॉलिश टैरिफ बैरियर्स एंड रिड्यूस द नंबर ऑफ करेंसीज फ्रॉम 32 to 2। जो टैरिफ मतलब जो टैक्सेस लगाए जाते थे उसको घटा दिया गया या रोक दिया गया, और जो करेंसीज थी मतलब हर एक जगह पर एक अलग करेंसी चलती थी तो उसको 30 से कम करके 2 पे ला दिया गया। मोस्ट जर्मन स्टेट ज्वाइंड द जोलवरीन, और जो मोस्ट जर्मन स्टेट जो थी वो जोलवरीन को ज्वाइन करती हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। व्हाई वर बिग यूरोपियन पावर्स मेट इन बर्लिन इन 1885। बर्लिन में जो बिग यूरोपियन पावर थे वो बर्लिन में क्यों मिलते हैं 1885 में। ऑल द मेजर यूरोपियन स्टेट्स वर इनवाइटेड इन बर्लिन कॉन्फ्रेंस इन 1885। सारे मेजर यूरोपियन स्टेट जो थे वो बुलाए जाते हैं बर्लिन कॉन्फ्रेंस में 1885 में। द कॉन्फ्रेंस वॉज ऑर्गेनाइज बाई ऑटोवन बिस्मार्क। और ये जो कॉन्फ्रेंस था वो किसके द्वारा बुलाया जाता है, ऑटोवन बिस्मार्क के द्वारा बुलाया जाता है, फर्स्ट चांसलर ऑफ जर्मनी। द यूरोपियन पावर्स मेड टू डिसाइड द कार्विंग अप ऑफ अफ्रीका एमंग देम। तो कार्विंग अप ऑफ अफ्रीका एमंग देम मतलब अफ्रीका के विभाजन के बारे में ये लोग निर्णय लेने के लिए बर्लिन में बुलाए जाते हैं कि उसको अलग करना है तो कैसे करना है, उसका क्या रूल रहेगा, इन सब चीज़ों के लिए बुलाए जाते हैं। द स्टेट्स वर जर्मनी, स्पेन, नीदरलैंड, बेल्जियम, पुर्तगाल, फ्रांस एंड ग्रेट ब्रिटेन। एन अफ्रीकन वॉज इन्वाइटेड टू दिस कॉन्फ्रेंस। और अफ्रीकन को भी बुलाया जाता है इस कॉन्फ्रेंस में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 है। हु रिमार्क्ड व्हेन फ्रांस स्नीजेस द रेस्ट ऑफ यूरोप कैचेस कोल्ड। 2016 का क्वेश्चन है। इसके पहले हम आपको ये क्वेश्चन एमसीक्यू में पढ़ा चुके हैं। तो मैटरनिक सेड व्हेन फ्रांस स्नीजेस द रेस्ट ऑफ यूरोप कैचेस कोल्ड। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हु वाज प्रोक्लेम्ड जर्मन एम्परर इन अ सेरेमनी हेल्ड एट वर्साइल्स इन जनवरी 1871। 18 जनवरी 1871 ये डेट आपको याद रखना है। किंग विलियम फर्स्ट ऑफ पर्सिया वाज प्रोक्लेम्ड जर्मन एम्परर इन द सेरेमनी हेल्ड एट वर्साइल्स। इसमें 3-4 पॉइंट ऐसे हैं जो आपको याद रखने हैं, या तो एमसीक्यू में पूछा जाएगा, या तो शॉर्ट में पूछा जाएगा, या तो लॉन्ग में पूछा जाएगा, मतलब कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन पूछा जाता है। किंग विलियम फर्स्ट जो कि प्रोक्लेम किए जाते हैं जर्मनी के एम्परर, और जनवरी 1871, और सेरेमनी कहाँ हुई थी, वर्साइल्स में हुई थी। तो ये 3 पॉइंट आपको याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 है। हु वॉज प्रोक्लेम्ड द किंग ऑफ यूनाइटेड इटली इन 1861। ये क्वेश्चन भी बार बार पूछा जाता है एग्जाम में, बहुत फेमस क्वेश्चन है ये सब। विक्टर इमैनुअल सेकेंड वॉज प्रोक्लेम्ड एज द किंग ऑफ यूनाइटेड इटली इन 1861। ये ईयर भी आपको याद रखना है और विक्टर इमैनुअल सेकेंड भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। नेम द ट्रीटी ऑफ 1832 दैट रिकॉग्नाइज्ड ग्रीस एज एन इंडिपेंडेंट नेशन। ये अभी आपको हम पढ़ाए हैं। द ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपोल ऑफ 1832 रिकॉग्नाइज्ड ग्रीस एज एन इंडिपेंडेंट नेशन। ये क्वेश्चन भी 2016 में पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। नेम द इवेंट दैट मोबिलाइज नेशनलिस्ट फीलिंग एमंग द एजुकेटेड इलाइट अक्रॉस यूरोप इन 1830-1848। ये क्वेश्चन भी आपको पढ़ाए हैं लॉन्ग आंसर में। द इवेंट दैट मोबिलाइज नेशनलिस्ट फीलिंग वॉज द ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। द ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस मोबिलाइज मतलब एकाकृत होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 है आपका। व्हाट वाज द मेन एम ऑफ रिवॉल्यूशनरी ऑफ यूरोप ड्यूरिंग इयर्स फॉलोइंग 1815। मेन एम ऑफ रिवॉल्यूशनरीज वाज टू अपोज मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो जो 1815 के टाइम के जो रिवॉल्यूशनरीज थे उनका मेन एम क्या था, तो उनका मेन एम यही था कि अपोज करना था मोनार्कियल पावर जो थी, मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो था उसका अपोज करना था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। आइडियाज ऑफ नेशनल यूनिटी इन द अर्ली 19th सेंचुरी यूरोप वर
क्लोजली अलाइड टू द आइडियोलॉजी ऑफ लिबरलिज्म। एग्जामिन द स्टेटमेंट। तो 19th सेंचुरी में जो आइडियोलॉजी ऑफ लिबरलिज्म था उसको एक्सप्लेन करना है आपको। देखते हैं क्या क्या था। द आइडियोलॉजी ऑफ लिबरलिज्म अलाइड विद द नेशनलिज्म इन द फॉलोइंग वेज। लिबरलिज्म स्टूड फॉर फ्रीडम फॉर द इंडिविजुअल एंड इक्वालिटी ऑफ ऑल बिफोर द लॉ। इट इम्फेसाइज द कॉन्सेप्ट ऑफ गवर्नमेंट बाई कॉन्सेंट। गवर्नमेंट बाई कॉन्सेंट मतलब लोगों की सहमति से सरकार। इट स्टूड फॉर द एंड ऑफ ऑटोक्रेसी एंड क्लर्जिकल प्रिविलेजेस। इट बिलीव्ड इन कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट थ्रू पार्लियामेंट। तो ये चीज़ें हैं, क्वेश्चन नंबर 16 है आपका। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। डिस्क्राइब एनी थ्री मेजर दैट वर इंट्रोड्यूस्ड बाई द फ्रेंच रिवोल्यूशनरीज टू क्रिएट अ सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी अमंगस्ट द फ्रेंच पीपल। द फ्रेंच रिवोल्यूशनरीज इंट्रोड्यूस्ड वेरियस मेजर्स एंड प्रैक्टिसेस दैट क्रिएटेड अ सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी अमंगस्ट द फ्रेंच पीपल। तो कौन कौन से ऐसे आइडियाज थे, इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है आपसे कि कौन कौन से ऐसे आइडियाज थे जिसकी वजह से लोगों के अंदर सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी आती थी, अपनापन जिसे कहते हैं। द आइडियाज ऑफ ला पैट्री द फादरलैंड एंड ला सिटुएन द सिटीजन इम्फेसाइज्ड द नोशन ऑफ यूनाइटेड कम्युनिटी एंजॉयिंग इक्वल राइट्स अंडर कॉन्स्टिट्यूशन। पहला जो था ला पैट्री का आइडिया और ला सिटुएन का आइडिया, और दूसरा अ न्यू फ्रेंच फ्लैग द ट्राई कलर वॉज चूजन टू रिप्लेस द फॉर्मर रॉयल स्टैंडर्ड। एक नया फ्रेंच फ्लैग बनाया गया। द ई स्टेट्स जनरल वॉज इलेक्टेड बाई द बॉडी ऑफ एक्टिव सिटीजन एंड रीनेम्ड नेशनल असेंबली। जो ई स्टेट जनरल था पहले, उसके लोगों को वहाँ के मतलब सिटीजन ने वहाँ के लोगों को सेलेक्ट किया जो उसमें बैठते हैं, और उसका नाम क्या रखा, नेशनल असेंबली। जैसे हम लोग चूज़ करते हैं एमपी और एमएलए को, उसको हम लोग पार्लियामेंट कहते हैं, तो वैसे ही वहाँ के लोग भी चूज़ करते होंगे एमपी एमएलए को, जिसको भी, तो उसको नेशनल असेंबली कहते हैं। न्यू आइंस वर कंपोज ओथ्स टेकन एंड मार्टियर कॉमेमोरेटेड। जो शहीद थे उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। ऑल इन द नेम ऑफ द नेशन, राष्ट्र के नाम पर। अ सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम वॉज पुट इन प्लेस एंड इट फॉर्मुलेटेड यूनिफॉर्म लॉज फॉर ऑल द सिटीजन विद इन इट टेरिटरी। इंटरनल कस्टम ड्यूटीज एंड ड्यूज वर एबॉलिश्ड एंड अ यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट एंड मेजर वॉज एडॉप्टेड। रीजनल डायलैक्ट्स वर डिस्करेज एंड फ्रेंच एज इट वॉज स्पोकन एंड रिटेन इन पेरिस बिकेम द कॉमन लैंग्वेज ऑफ द नेशन। तो यहाँ पे आपको टोटल 7 पॉइंट्स बताए हमने, लेकिन कोई भी 3 पॉइंट्स आप लिख सकते हैं, कोई भी 3 पॉइंट्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। Which brothers of Germany contributed in compiling the text for children? Grimm brothers of Germany contributed in compiling the text for the children in form of folk tales. अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 क्या है। What was the main aim of the French revolutionaries? The French revolutionaries aimed at the abolition of monarchy, foundation of सेक्युलर एंड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, लिबरेशन ऑफ पीपल ऑफ यूरोप फ्रॉम डिक्टेटरशिप, ड्राफ्टिंग ऑफ अ फॉर्मल कॉन्स्टिट्यूशन ATC। जो मेन एम इनका था फ्रेंच रिवॉल्यूशनरीज था, वो क्या था, एबॉलिशन ऑफ मोनार्की था, फाउंडेशन ऑफ सेक्युलर एंड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, लिबरेशन एंड ऑफ द पीपल ऑफ यूरोप फ्रॉम डिक्टेटरशिप, ड्राफ्टिंग ऑफ फॉर्मल कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब पूरी तरह से ये इंडिपेंडेंट होना चाहते थे, इनका अपना खुद का कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, ये राजा महाराजा से दबके नहीं रहेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 है आपका। व्हाट वाज द मेजर चेंज
that occurred in the political and constitutional scenario due to French Revolution in Europe. तो रिवॉल्यूशन की वजह से कौन से पॉलिटिकल और कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज हुए फ्रांस में? द फ्रेंच रिवॉल्यूशन लेड टू ट्रांसफर ऑफ सुवर्निटी फ्रॉम मोनार्की टू अ बॉडी ऑफ फ्रेंच सिटीजन. तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन की वजह से जो पावर था वो मोनार्की से फ्रेंच सिटीजन के पास आ गया. ये इसका फायदा हुआ फ्रेंच के लोगों को.